सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम किलोग्राम के बारे में जानेंगे। भाई, हमारी जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर हम बाजार के अंदर से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको हम जैसे ग्राम के अंदर भी खरीदते हैं, किलोग्राम के अंदर भी खरीदते हैं, सवा किलो के अंदर भी खरीदते हैं, पौने दो किलो के अंदर भी हम खरीदते हैं। कोई भी अगर वस्तु खरीदते तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपको मतलब शुरू से लेकर आप उससे अंत तक उसे जरूर देखना। तो वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपको वीडियो कैसी लगती है, और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना। बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा, सिर्फ आपको इसको समझना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का किलोग्राम को हम समझें। भाई, एक किलोग्राम कितना होता है, आधा किलोग्राम कितना होता है, एक पाव कितना होता है, तीन पाव कितना होता है, और इसको सवा किलोग्राम कितना होता है, और पौने किलो कितना होता है, और पौना किलो कितना होता है, डेढ़ किलो कितना होता है, सवा दो किलो कितना होता है, पौने दो किलो कितना होता है, या पौने चार होता है, जैसे पौने पांच होता है, सवा दस होता है, सवा ग्यारह होता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें, भाई एक किलोग्राम के अंदर एक किलोग्राम होते हैं, इसके अंदर हजार ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा, सिर्फ आपको इसे ध्यान से समझना है। भाई, एक किलोग्राम में हजार ग्राम होते हैं, तो हम यहाँ अच्छी तरह से समझेंगे। हम यहाँ मतलब इसमें एक बटा दो का मतलब कितना होता है, आधा। क्या होता है, आधा होता है, एक बटा दो का मतलब आधा, और एक बटा चार का मतलब होता है, एक बटा चार का मतलब होता है मतलब चौथा हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं सवा। क्या बोलते हैं, सवा, या मतलब एक किलोग्राम होता है उसमें से हम चौथा हिस्सा इसको मान सकते हैं। तो हम इसमें जैसे ग्राम अगर इसमें निकालते हैं हम इसमें, तो इसका लेंगे हम गुना में, अगर इसको रखते हैं एक हजार, कितना रखते हैं हम, एक हजार ग्राम निकालेंगे, तो इसको कटेगा दो दूनी चार, दो पांच दस, कितना ग्राम बनेगा इसमें, इसका मतलब होता है 250 ग्राम। कितना होता है, 250 ग्राम। उसके बाद आता है हमारे पास तीन बटा चार, कितना आता है, तीन बटा चार। तो तीन बटा चार को हम समझेंगे, तीन बटा चार का मतलब होता है पौना, कितना होता है, पौना होता है। अगर इसको हम ग्राम में बदलते हैं तो ये कटेगा हमारे पास 250 से कटेगा, इसके साथ अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 750 ग्राम आता है, कितना आता है, 750 ग्राम। अब एक बटा दो का हम निकालते हैं इसमें, एक बटा दो का मतलब एक बटा दो गुना में कितना रखेंगे हम, इसमें हजार रखेंगे, तो इसमें कितना आएगा, इसमें पांच दूनी दस जीरो, कितना आएगा इसमें, 500 ग्राम, कितना आएगा, 500 ग्राम। तो सबसे बड़ी समस्या यही है भाई, ग्राम एक बटा दो का मतलब 500 ग्राम होता है, एक बटा चार का मतलब 250 ग्राम होता है, और तीन बटा चार का मतलब कितना होता है, तीन बटा चार का मतलब 750 ग्राम होता है। अब ये समस्या मतलब इसमें खत्म हो चुकी है, अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। भाई, जैसे हमारे पास एक किलोग्राम में हम ग्राम निकालेंगे, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एक हजार ग्राम, एक हजार ग्राम, एक हजार ग्राम, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब लिखते हैं हम आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो एक बटा दो का मतलब होता है इसमें आधा, आधा कितना आ जाएगा इसमें, 500 ग्राम, कितना आ जाएगा, 500 ग्राम। उसके बाद हम समझते हैं एक पाव, एक पाव, इसको हम एक पाव बोलते हैं, कितना पाव बोलते हैं हम, एक पाव बोलते हैं, एक मतलब इसमें एक किलो में कितने पाव होते हैं, चार पाव होते हैं, तो मतलब 250 ग्राम कितना, एक पाव, तो हमारे इसमें कितना आ जाएगा, 250 ग्राम, कितना, 250 ग्राम। तीन पाव कितना होता है, तीन पाव, तो तीन पाव होता है तीन बटे चार, तीन बटे चार का मतलब कितना होता है, पौना किलो, जिसको हम पौना किलो भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें 750 ग्राम, 750 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, तीन पाव बोलते हैं। आगे है सवा किलो, सवा किलो, भाई एक किलो तो पूरा है, एक किलोग्राम, एक किलोग्राम और ग्राम कितने हो जाएंगे, इसका मतलब होता है एक बटा चार का मतलब होता है इसमें सवा, तो यहाँ हो जाएगा 250 ग्राम, एक किलो और 250 ग्राम। पौना किलो कितना होगा, पौना किलो, पौना किलो, इसको हम बोलते हैं पौना किलो, कितना होता है, पौना किलो,
तो पौना किलो में कितना आएगा 750 ग्राम, 750 ग्राम। अब हमारे पास है यहाँ डेढ़ किलो, कितना है डेढ़ किलो, तो एक किलो तो पूरा होता है इसके अंदर, तो यहाँ लिखेंगे हम एक किलो, एक किलो और कितना आ जाएगा 500 ग्राम, एक किलो और 500 ग्राम हो जाएगा। आगे हमारे पास है इसमें सवा दो किलो, सवा दो किलो कितना, तो दो किलो तो पूरा हो जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें दो किलो, सवा दो किलो इसके अंदर, तो सवा का मतलब कितना होता है, सवा इसमें 250 ग्राम हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास इसमें 250 ग्राम, दो किलो और 250 ग्राम। आगे हमारे पास इसमें पौना दो किलो, पौने दो किलो कितना होता है, एक किलो तो पूरा होता है इसके अंदर, एक किलो पूरा आ जाएगा इसके अंदर, और पौना कितना होता है, पौना होता है हमारे पास इसमें 750 ग्राम, कितना होता है 750 ग्राम, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसमें 750 ग्राम। तो इस प्रकार से हम, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आशा है कि दोस्तों आपसे, आपके किलोग्राम और ग्राम, पौना किलो, सवा किलो, पौने दो किलो, सवा चार किलो, जितना भी होता है उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं।